बरिम न्यू टॉपिक एंड आई एफ आर एस ऑपरेटिंग सेगमेंट्स तो जना से पेपर में सवाल आ भी जाता है इसमें से इस स्टैंडर्ड में से कभी कभी बट नॉट uh, हम ये कह सकते हैं जैसे हम बाकी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं थर्टी एट के बारे में या लीज के बारे में या आई एस ट्व के बारे में या कंसल्टे के बारे में जिसमें हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन जो है वो जरूर होगा पेपर में लेकिन इसमें से हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जरूर होगा लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा देर माइट बी अ क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर नहीं सात आठ नंबर का सवाल जो है वो हमें इसमें से मिल सकता है फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड आई एफ आर एस ऑपरेटिंग सेगमेंट अच्छा अब ये स्टैंडर्ड है क्या ये सारे का सारा स्टैंडर्ड जो है ना अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको ये 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 हम पढ़ने के जा रहे हैं। कोई खास बात नहीं है 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 इसमें ये सारे का सारा जो है, ये है, और जो और हैं उसको फोकस करता ठीक डिस्क्लोजर है और दी अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो नोट्स टू दी अकाउंट है उसको डिस्क्लोज करता है ये स्टैंडर्ड एमसाइज करता है इस बात को कि आपने जो फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एग्जांपल आपने पी एंड एल पे सेल्स की फिगर बताई ठीक और बाकी फिगर्स बताई इसी तरह एसओ एफ पी में आपने नॉन करंट एसिड बताया एंड अदर फिगर्स तो वो आपने ओवरऑल बिजनेस जो है कंपनी जो है उसके रेफरेंस से बताया लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि जो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो जब कंपनी की डिसीजन मेकिंग करता है इंटरनल डिसीजन मेकिंग जब करता है तो वो इस इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस को हो, होल नहीं देखता होलिस्टिकली नहीं देखता बल्कि वो बिजनेस को डिवाइड कर लेता इन टू डिफरेंट सेगमेंट्स ठीक तो सेगमेंट ए है सेगमेंट बी है सेगमेंट सी है तो कहना जब अगर बिजनेस जो है <coughs> उसकी जब इंटरनल डिसीजन मेकिंग होती है तो इंफॉर्मेशन को डिस ब्रेक किया जाता है और सेगमेंट में हिस्सों में डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया जाता है और फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो हर सेगमेंट को अलहदा से देख रहा है जब वो ये फैसला करता है कि किस सेगमेंट को कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं किस सेगमेंट की क्या परफॉर्मेंस है जब वो बिजनेस को ओवरऑल एवेलुएट करना चाहता है तो वो ओवरऑल नहीं बल्कि सेगमेंट वाइज बिजनेस को देख रहा है पॉलिसी मेकिंग जो हो रही है वो सेगमेंट्स को जेन में रखते हुए हो रही है तो आए फारे एड ये प्ली लेता है कि अगर ये बिजनेस को सेगमेंट में देखना इतना जरूरी है कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी देख रहा है तो फिर जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनको भी इंफॉर्मेशन जो है वो एटलीस्ट सेगमेंट में बतानी चाहिए ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव हो सके तो मेन जो प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी का उसकी हम बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्लोयर एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम आई एफ आर एस एड जो पढ़ने जा रहे हैं ये कहता है जी आपको बिजनेस अगर एफ बिजनेस जो है उसके इंटरनल डिसीजन मेकिंग में बिजनेस जो है वो सेगमेंटेशन में देखा जाता है उसको सेगमेंट में ब्रेक करके डिसीजन मेकिंग की जाती है तो फिर आई एफ आर एस एड ये प्ली लेता है कि जनाब फिर एक्सटर्नल यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन ब्रेक करके बतानी चाहिए ओवरऑल सेल आप पी एंड एल में जरूर बता रहे हैं लेकिन आप जो है उसको फिर नोटी अकाउंट में ब्रेक करके बताएं कि बिजनेस के किस सेगमेंट की कितनी सेल इसका बैकग्राउंड ये दैट इज द बैकग्राउंड यहां से जब आप इस स्टैंडर्ड को देखेंगे तो ये एक इंतहाई आसान सा स्टैंडर्ड है तीन चार बातें इसके अंदर जो अभी मैं करने जा रहा हूं बाकी इट इज नथिंग नॉट वेरी डिफिकल्ट इसलिए मैंने इसको रखा भी आखिर पे हुआ था कि हम पहले मेन मेन चीजें कर लें और जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको बाद में कर लेंगे लो ऑपरेटिंग साइड अच्छा जी ये अब एप्लीकेबल है सबसे पहली बात का जनाब ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द लिस्टेड एंटिटीज तो जिनकी स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है तो हम कहते हैं ओनली एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज तो यहां पे हम लिख देते फॉर लिस्टेड कंपनीज मतलब जिनका शेयर ट्रेड हो रहा है इन द मार्केट या जो इस तैयारी में है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग लेना चाह रहे हैं तो इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द लिस्टिंग और दे आर लिस्टेड कंपनी तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है बाकी कंपनीज के लिए यानी कि एक नॉर्मल कंपनी जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर ट्रेड नहीं हो रहा और उनका कोई इरादा नहीं है इसके ऊपर जाने का तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन नहीं है तो इट इज ओनली फॉर द लिस्टेड कंपनी ठीक हो गया अब हम ये कहते हैं कि सबसे पहले स्टैंडर्ड जो है वो हमें बताता है कि भाई ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है ये है क्या एज पर आई फार डेफिनेशन ठीक अब इसकी जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी जो मुझे जो मेरा ख्याल है वो इस चीज की तरफ घूमती है कि ये कितना सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है किसी एक सेगमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है या वो सेगमेंट कितना इंपॉर्टेंट है कितना मटीरियल है क्या वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है या आगे नहीं कर सकता तो इसमें सबसे पहली चीज जो स्टैंडर्ड कहता है कि ये जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं ये जनाब क्या हो कहता है ये प्रॉफिट सेंटर हो ये शुड बी अ प्रॉफिट सेंटर आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे प्रॉफिट सेंटर हो इसका मतलब है ये सेगमेंट जो है ये रेवेन्यू भी इनकर करता हो और कॉस्ट भी इनकर करता हो यानी सिर्फ रेवेन्यू सेंटर और सिर्फ कॉस्ट सेंटर ना हो इट शुड बी अ प्रॉफिट सेंटर मतलब ये ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जहां पर ये रेवेन्यू भी अर्न कर रहा है और कॉस्ट भी इनकर कर रहा है सो इट द सेगमेंट इज मेकिंग प्रॉफिट वैल्यू एड करता है ठीक तो ऐसे ऑपरेटिंग स्टार्टअप्स जो अभी शुरू में है लेकिन दे जस्ट कॉस्ट आर इनकरिंग बट सुन दे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द रेवेन्यू दे स्टिल मीट द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ दिस द प्रॉफिट सेंटर सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट के जनाब ये प्रॉफिट सेंटर हो नंबर टू कहते रेगुलरली रिव्यूड बाय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कहते हैं जनाब इस सेगमेंट के बारे में कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है बिजनेस का या चीफ डिसीजन मेकर जो है ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है ठीक वो क्या करता है वो इसको रेगुलरली रिव्यू करता है स्टैंडर्ड में जो नॉर्मली जो वर्ड यूज कर रहा है वो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है तो नेचुरली ज्यादातर वो सी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनकी हम बात कर रहे हैं हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये इसके रिजल्ट जो हैं वो रेगुलरली जो है वो रिव्यू करता है कौन रेगुलरली रिव्यूड बाय सी ओ रेगुलरली रिव्यूड बाय सी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर वो इसको रेगुलरली रिव्यू करता है इसके रिजल्ट्स को ठीक

इसके बाद आप तीसरी कंडीशन है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल मतलब अलग-अलग से सेगमेंट की अलग-अलग से आपके पास इंफॉर्मेशन है मतलब आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इस सेगमेंट को इतना इंपॉर्टेंट समझता है कि अगर आप ओवरऑल सेल्स देख रहे हैं वो तो आपके पास आ ही रही है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर इस सेगमेंट की से चीज़ें बताई जाएँ सारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस सेगमेंट की अलहदा से हो तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो सेगमेंट है ये एक ऑपरेटिंग सेगमेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ आई एफ आर एस इट तो हम कहते हैं दिस इज़ वन वी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट अब ये सेगमेंट जो होते हैं नॉर्मली अगर आप देखें तो ये बिजनेस सेगमेंट भी हो सकते हैं और जियोग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकते हैं। इट कैन बी अ बिजनेस सेगमेंट्स और इट कैन बी अ जियोग्राफिकल सेगमेंट्स ठीक हो गया कि बेसिस पे भी हो सकते हैं जैसे बिजनेस सेगमेंट है अगर हम सोनी कंपनी के एग्जांपल लें तो हम कहते हैं ना उनके गेमिंग इज अ सेपरेट सेगमेंट मोबाइल फोन्स आर द सेपरेट सेगमेंट होम अप्लाइंसिस तो ये बिजनेस सेगमेंट्स डिफरेंट बिजनेसेस जियोग्राफिकल सेगमेंट की हम बात करें तो हम कहेंगे जनाब जैसे हम पाकिस्तान में कंपनी है तो हम कहेंगे जी पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पखतूनखा तो हम ये कहेंगे जनाब ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज हैं और बिजनेस इन डिफरेंट एरियाज में हो रहा तो इट माइट बी द सेगमेंट्स यू कैन आइडेंटिफाई एंड इट विल बी कॉल्ड एट द जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ द सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट भी हो सकते हैं लेकिन वो जैसे भी हो हमें पहले देखना यह है कि क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो हम स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर ये तीन चीजें पूरी हो रही हैं तो ये एक ऑपरेटिंग सेगमेंट नंबर वन इट इज अ प्रॉफिट सेंटर मीन इट इज इनकरिंग अर्निंग द रेवेन्यू एंड ऑल्सो इनकरिंग द कॉस्ट सो इट इज अ प्रॉफिट सेंटर सेकेंड रेगुलरली रिव्यूड बाय द चीफ डिसीजन मेकर जिसको हम सीईओ कह रहे

तो ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है इनको कंबाइन भी किया जा सकता है एक या एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है उनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स को इकट्ठा कर लेना तो उसे कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट इसके लिए स्टैंडर्ड कहते हैं दे आर सर्टेन कंडीशंस कि अगर ये कंडीशंस हैं तो ये एक्चुअली एक जैसे हैं तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं ठीक तो वो क्या क्या जनाब द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेस ठीक हो गया इसके अलावा जनाब द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेस नंबर वन नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आप देखेंगे कि आप जो चीजें हैं इस सेगमेंट की प्रोडक्ट और सर्विसेज जो दे रहे हैं क्या वो सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ठीक और सिमिलर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट तो उसमें आप नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर्स ठीक हो गया जी इसके अलावा जनाब मतलब कंपनीज के कस्टमर इंडिविजुअल्स हैं के कंपनीज हैं कॉरपोरेट कस्टमर्स हैं इंडिविजुअल हैं इसके बाद जनाब डिस्ट्रीब्यूशन मैथड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड इंटरनेट सेल करते हैं आप ठीक डोर टू डोर है मार्केट में जाके रखे हैं दुकानें रखते हैं रिटेल आउटलेट खोलते हैं कैसे करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है एंड द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट रेगुलेटरी कहता है जनाब अगर आपके एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स से जो हैं ठीक अगर एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स से जो हैं, उनकी जो सेम सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, और दे आर सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज वेल तो हम कहते हैं क्या मतलब हुआ कि सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक ठीक गया एक ही किस्म के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और सिमिलर हैं इस तरह भी तो हम क्या कर सकते हैं इनको एग्रीगेट किया जा सकता है इनको एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स जो हैं उनको यानी कि ए बी जो है इकट्ठा किया जा सकता है अगर वैसे सो ऑपरेटिंग सेगमेंट भी है लेकिन वो इस तरह से सिमिलर हैं इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक में एंड दे आर सिमिलर इन दिस थिंग सो दे कैन बी कम्बाइंड इनको इकट्ठा किया जा सकता है सो so, हम कहते हैं जी एग्रीगेशन ऑफ़ द सेगमेंट्स इसके बाद जब हम ये कर लेते हैं द एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट तो अब ऑपरेटिंग सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमने कहा जी ये तीन चीज़ें हैं कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर हो रेगुलरली रिव्यूड बाय सीईओ हो डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो वो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट अब स्टडी ये कहता है ठीक है जी ऑपरेटिंग सेगमेंट है अब हम ये देखते हैं सेकंड, क्या ये एक रिपोर्टेबल सेगमेंट भी है इज इट रिपोर्टेबल सेगमेंट यानी टू नोट अकाउंट में आप इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे सेगमेंट ए सेगमेंट बी सेगमेंट सी इसकी से सेल्स इसकी से सेल्स इसकी इसकीहदा से सेल आप नोट सुधी अकाउंट में बता रहे हैं तो ये एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है इसका मतलब है इसकी इंफॉर्मेशन अलहदा से आपने बतानी इसके लिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक रिपोर्टेबल सेगमेंट वो होता है ठीक नंबर वन सबसे पहले हमारे पास आपने याद रखना है टेन परसेंट थ्रेश याद रखना है टेन परसेंट थ्रेश कहते हैं जनाब अगर जो एक सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल उस वक्त होगा जब कोई एक कंडीशन इसमें से जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं वो मीट कर जाए तो वो स्टैंडर्ड जो है वो एक रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा सबसे पहले जनाब कि रिपोर्टेड रेवेन्यू जो है इज टेन परसेंट और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू रिपोर्टेड रेवेन्यू रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरसेगमेंटल इंक्लूडिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरसेगमेंटल ठीक गया जी दोनों मिला के इंक्लूडिंग बोथ रिपोर्टेड रेवेन्यू जो है इंक्लूडिंग बोथ External and intersegmental is ten percent or more of the combined revenue okay. is ten percent or more of combined revenue of all the segments, internal and external both. हो गया इंटरनल सेगमेंट एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू कहतेवे तमाम सेगमेंट के जो रेवेन्यू है जितने भी रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है और उनके तमाम के रेवेन्यू के 10 परसेंट या उससे ज्यादा जैसे मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास तीन सेगमेंट्स हैं तो हम कहते हैं सेगमेंट ए जो है अगर मैं यहां पे लिखू रेवेन्यू तो हम कहते हैं जनाब सेगमेंट ए जो है ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है ये भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है ये भी ऑपरेटिंग सेगमेंट तो मैं आपसे कहता हूं कि जनाब रेवेन्यू uh, जो है इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू जो इसने कंपनी से बाहर बेचा और इंटरनल ठीक तो हम कहते हैं जनाब इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू है 20 और इंटरनल रेवेन्यू है 5 टोटल रेवेन्यू है इसका 25 ठीक हो गया सेगमेंट बी जो है इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो है चार और इंटर सेगमेंटल रेवेन्यू है दो तो ये बन गया छः और सेगमेंट सी जो है इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू है बारह या आप कह लें जनाब कोई तीस ठीक हो गया और इंटरनल रेवेन्यू है दस तो ये बन गया जनाब कुछ चालीस ठीक अब अगर आप इनको टोटल करें तो 20 जमा चार जमा तीस कितना बन गया जनाब चौवन और ये बन गया 5 और दो सात और दस सत्रह तो तीनों को टोटल कर ले तो कितना बन गया जनाब सात और चार ग्यारह 71 वन ठीक हो गया जनाब इट्स 71 वन चालीस और पच्चीस पैंसठ पैंसठ और छह इकहत्तर तो ये हमारे पास टोटल आ गया अब मैं यहाँ पर ये लाइन लगा कहता जनाब एक सेगमेंट का जो रेवेन्यू है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो तमाम सेगमेंट का रिपोर्टेड रेवेन्यू है इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल अगर उसके दस परसेंट के हैं या उससे ज्यादा है और ग्रेटर कहता जी ये सेगमेंट जो है ये एक रिपोर्टेबल सेगमेंट दिस इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट कहता जी ये उसका एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है जैसे यहां पर देखें तो ये छे जो है ये इसके दस परसेंट से कम तो इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग सेगमेंट जरूर होगा लेकिन ये एक रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है आई एफ आर एस एड के मुताबिक बिकॉज इसके कंबाइंड रेवेन्यू जो है वो टोटल कंबाइंड रेवेन्यू के टेन परसेंट या उससे ज्यादा नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट तो पहली कंडीशन ये फिर कहते जी ओके ये हो गया फिर सेकेंड कहता है सेकंड में ठीक कि ये जो सेगमेंट्स का प्रॉफिट है और लॉस प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है जैसे हमने रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट की बात की ठीक कि प्रॉफिट और लॉस इज टेन परसेंट और मोर उसी तरह यानी कि एक सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस दस परसेंट है या ज्यादा है ठीक is 10% or more in absolute amount of the greater of is 10% or more in absolute amount profit or loss is 10% or more in absolute amount of the greater of

Operating segments of all operating segments. The combined profit of all operating segments that did not report a loss. That did not report a loss. See? Kya toh jab sab operating segments wo jo loss report na kar raho, unke profits jo hai, and the combined loss, the combined loss of all operating segments that reported a loss of so, all operating segments that report. लॉस क्या कह रहा है कहता जी ना आपने देखना है कि एक सेगमेंट जो है उसका प्रॉफिट या लॉस अगर 10 परसेंट या उससे ज्यादा है किससे इन दोनों में से जो ग्रेटर उसको आप बेस बनाएंगे तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं उनको टोटल कर ले और तमाम सेगमेंट जो लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं उनको लॉस को ऐड कर ले अब नाउ विच एवर इज हायर अब आप देखें उन दोनों में से इन दोनों में से जो हायर है देखें कि रिपोर्टेड सेगमेंट जो है वो उसके 10 परसेंट के बराबर है या उससे ज्यादा है तो वो क्या है एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है ये अप्लाई हो जाए तब भी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है ये अप्लाई हो जाए तब भी नंबर थ्री <coughs> नंबर थ्री जो है वो है जी टेन और मोर ऑफ द कम्बाइंड एसड ठीक क्या जनाब रिपोर्टिंग सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है उसके एसेट्स जो है वो टेन परसेंट और मोर है इसके ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ठीक ऑफ कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के तमाम के एसेट्स को टोटल कर लिया जाए और रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट जो है वो दस परसेंट या उससे ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि ये एक ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है ये एक रिपोर्टेबल सेगमेंट अब देखें मैंने आपको क्या बताया टेन परसेंट फ्रेश हो याद रखे जी अब सादा से लफ्जों में अगर हम स्टैंडर्ड से बाहर निकल के आसान सी जिंदगी करें अपनी तो हम कहते हैं कि एक सेगमेंट जो कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है अगर हम उसकी सेल्स का टोटल ले लें एक्सटर्नल और इंटरनल अब आप देखें कि जनाब तमाम सेगमेंट की जो सेल है इंटरनल एक्सटर्नल अगर सेगमेंट की सेल तमाम सेल सेगमेंट की सेल के 10 परसेंट या उससे ज्यादा है तो वो एक रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट में कम जाए रिपोर्टेबल सेगमेंट सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस का थ्रेशोल्ड होल्डर थर्ड एसेट्स का अब इनमें से कोई एक भी अप्लाई हो जाए तो ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है वो आई एफ के मुताबिक एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं अपनी इस एग्जांपल के अंदर सेल्स की बेसिस पे तो ये एक ऑपरेटिंग सेगमेंट जरूर होगा लेकिन ये एक रिपोर्टेबल re, सेगमेंट नहीं है क्योंकि इसकी कंबाइंड सेल जो है वो दस परसेंट से कम ठीक हो गया सो द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट अब अब इसमें एक और जो स्टोरी है वो क्या है कहते हैं जनाब अब स्टोरी क्या है इसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन कि जब आप रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे तो एक बात आपने याद रखनी है स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है ठीक वो क्या है कहते हैं जनाब एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ द रिपोर्टेड रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द इंटरनल सेगमेंटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग इंटरसेगमेंटल जो आपस में, में सेल की उसको निकाल के ठीक उसको निकाल के जो आपकी कंपनी का रिपोर्टेड रेवेन्यू है जो आपने ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है इंटरसेगमेंटल रेवेन्यू को एक्सक्लूड करते हुए उसका एटलीस्ट पचहत्तर परसेंट जो है ठीक एटलीस्ट पचहत्तर परसेंट ऑफ द रिपोर्टेड रेवेन्यू आपने सेगमेंट वाइज रिपोर्ट कर दी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिपोर्टेड रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड थ्रू ऑपरेटिव सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिव सेगमेंट इन द नोट ठीक जैसे आप ये कह कंपनी की ओवरऑल सेल जो है मैं ये कह रहा हूं रिपोर्टेड रेवेन्यू चौवन इसका मतलब है कि आप जब रिपोर्टिंग सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट बना रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि चौवन का जो पचहत्तर परसेंट है ना ये एक्सटर्नल रेवेन्यू है रिपोर्टेड रेवेन्यू ओवरऑल चौवन है इसका एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट जो रेवेन्यू का है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट वाइज अब नोट टू द अकाउंट में रिपोर्ट होना चाहिए अगर आपने जो सेगमेंट आइडेंटिफाई करके उसको रिपोर्टेबल बनाया अगर उनके रेवेन्यूज को ऐड करें और वो टोटल रेवेन्यू के 75 परसेंट से कम है तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जनाब अगर ऐसा है कि इफ इट इज नॉट इक्वल टू परसेंट देन एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड इफ इट इज लेस देन एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है उनको आप आइडेंटिफाई करो सो दैटर परसेंट का जो थ्रेश होल्ड है ये पूरा हो जाए मतलब स्टैंडर्ड ये कह रहा है आई एफ आर एस एड ये कह रहा है कि अब आपने बात छेड़ी ली है कि अब आप सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कम से कम अब आप ये जेन में रखें कि अगर एक कंपनी की सेल जो है वो सौ रुपये है टोटल रिपोर्टेड सेल जो है ओवरऑल कंपनी की सेल और आप सेगमेंट रिपोर्ट सेगमेंट का नोट बना रहे हैं तो अब आप कम से कम इतने सेगमेंट जरूर आइडेंटिफाई करें कि कंपनी की सेल का पचहत्तर परसेंट सेगमेंट सेल से मैं आ रहा हो और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको डिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने हैं चाहे वो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट की कंडीशन को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे मतलब हो सकता है कि आपने सारे जितने थ्रेश होल्ड को मीट कर रहे थे आपने सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल सेगमेंट बना लिया बिकॉज दे आर मीटिंग द टेन परसेंट थ्रेश होल्ड क्राइटेरिया लेकिन जब हमने सारे सेगमेंट आइडेंटिफाई कर भी लिए और सब कुछ कर दिया जब उनकी सेल्स का हमने टोटल किया जो कि एक्सटर्नल सेल थी और जब हमने देखा कंपनी की टोटल सेल का कितने परसेंट बनता है तो हमने सारों को देखा तो वो कोई पैंसठ परसेंट बनता है इसका मतलब है कंपनी की ओवरऑल सेल का पैंसठ परसेंट जो है वो हमने सेगमेंट वाइज रिपोर्ट किया है नोट टू अकाउंट के अंदर तो स्टैंड कहते हैं नहीं अब आपको एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट इंक्लूड करने पड़ेंगे जब तक के पचहत्तर का थ्रेश पूरा ना हो जाए उसके लिए चाहे आपको वो सेगमेंट भी शामिल करने पड़े जो कि प्रीवियसली 10 परसेंट के थ्रेड को मीट नहीं कर रहे थे तो नॉर्मली इमीडिएटली हम देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट है जो सेल्स वाइज हायर त्रीन होता है उसको फिर हम ले लेते हैं ताकि पचहत्तर परसेंट का थ्रे जो है वो मीट हो सके ठीक तो जनाब ये हमारे पास जो था ऑपरेटिंग सेगमेंट था ठीक और समटाइम्स uh, कई ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो ये दस परसेंट का थ्रे पूरा ना कर रहे हो तो उसको भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो वो यूज़फुल है उसको भी आप सेपरेटली कर सकते हैं आल दो वो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं करता बट मैनेजमेंट का ख्याल ये कि जनाब दैट इज़ कि वो इम्पोर्टेंट है तो उसको भी आप सेपरेटली बता सकते हैं अच्छा अब इसके बाद जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनको नॉर्मली जो आपके रिपोर्टेबल नहीं बने बट स्टिल दे आर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स उनको हम कैसे रिपोर्ट करते हैं एक ही एडिंग दे देते हैं ऑल अदर सेगमेंट्स सो ऑल अदर सेगमेंट्स ठीक जैसे यहां पे मैं कहूं ए बी सी ठीक तो बी जो है हमारे हिसाब से इज नॉट रिपोर्टेबल सेगमेंट इसके अलावा डी ई e, एफ भी है तो रिपोर्टेबल सेगमेंट ये हो गए और ये वाला सेगमेंट और अगले डी ई उनको हम कहेंगे अदर सेगमेंट सबको इकट्ठा कर लेंगे ठीक हो गया सो दैट्स इट अब आप देखें इस स्टैंडर्ड के अंदर जो मेन <coughs> चीज़ है ऑपरेटिंग सेगमेंट इट्स ऑल अबाउट द डिस्क्लोजर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि जनाब इसके डिस्क्लोजर में हम क्या क्या बातें बताएंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ तो मैं आपको बताता चाहूंगा कि डिस्क्लोयर में क्या क्या बातें किस तरह से आपने करना लेकिन सबसे पहली बात जो आप देखें जेन के अंदर रखें वो क्या है सो वाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इसकी डेफिनेशन है हाउ वी कैन एग्रीगेट द सिमिलर सेगमेंट्स इफ दे आर ऑपरेटिंग अंडर सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक एंड दे आर सिमिलर इन दीज थिंग्स तो आप इसको एग्रीगेट कर सकते हैं देन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को देखना पड़ेगा कि क्या वो रिपोर्टेबल है इसके लिए आपने याद रखना है दिस इज टेन परसेंट थ्रेशोल्ड और ये आपने थोड़ी सी लाइन याद रखनी है कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और जब आप ऑपरेटिंग सेगमेंट वाइज रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिपोर्टेड रेवेन्यू जो है वो जरूर रिपोर्ट होना चाहिए तो कल इंशाल्लाह इसके सवाल करेंगे और इस पर फर्दर बातचीत करेंगे जिसमें हम ये सारे रूल जो है डिस्क्लोजर में जाएंगे तो जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी शायद आपको जेन में आ रहा हूँ पता नहीं क्या सर बात कर रहे हैं लेकिन जब आप उसको देखेंगे डिस्क्लोजर को बनता हुआ नोट बनता हुआ तो आपको बात सारी समझ आ जाएगी ठीक हो गया तब तक के लिए इजाजत दें जनाब थैंक यू आज के लिए काफ़ी इतना ही ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इन फिर बात होगी अल्लाह हाफ़